जब से स्कूल खुले हैं तब से हमने सैंपलिंग और बढ़ा दी, स्कूलों में भी सैंपलिंग कर दी है। और अब पिछले कुछ दिनों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं और हरियाणा में ओवरऑल केस भी बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में जींद में भी केसों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हमने जब से स्कूल खुले स्कूलों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी है, तो बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं और टीचर भी पॉजिटिव आ रहे हैं और आमजन भी हर घर में हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। तो जैसे कि कल की बात लें तो कल जो है 8 अध्यापक और 11 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, टोटल 66 केस आए हैं। और इसी तरह जब केस ज़्यादा आ रहे हैं तो मृत्यु दर भी बढ़ती है, कुछ मृत्यु भी ज़्यादा हो रही हैं। और इसी संदर्भ में हमारे पास जो पॉजिटिव वार्ड है यहाँ भी पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, न्यूमोनिया के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इसमें मेन जो है अभी भी हम यही कर सकते हैं कि मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब लोग जो है इस बारे में बड़ी जो है असावधानी बरत रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, जो घर में बीमार हो तो उसका सैंपल नहीं कराते हैं, इससे बीमारी बढ़ती है। तो जो अगर कोई बीमार है उनको सैंपलिंग ज़रूर करानी चाहिए, मार्केट में जाओ तो मास्क लगा के रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमारे पास और कोई कारगर उपाय इसका नहीं है। तो सर स्कूल में केस बढ़ रही है तो ज़्यादा जाँच होनी चाहिए। देखिए स्कूलों में हमारी टीम हर रोज़ जाके स्कूलों में जाँच करा रही है और उपायुक्त महोदय ने सभी स्कूलों को सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो है अपनी जो टीम आए उससे जाँच कराना है। तो कुछ अब हर रोज़ हमारी टीम एक स्कूल में जाकर जाँच कर रही है और जल्दी से जल्दी हमारा यही है कि पूरे सभी स्कूलों को हम कवर कर लेंगे। सर जिस तरह स्कूल में ज़्यादा केस बढ़ रही है तो स्कूल को बंद करना, देखिए स्कूल बंद करना कोई उपाय नहीं है इसका मेन उपाय, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम तक बंद करके देख लिया, बच्चों को पढ़ना भी होता है, तो जो पॉजिटिव केस आते हैं उनको आइसोलेट करना और जल्दी से जल्दी टेस्ट कराना यही एक उपाय है, क्योंकि बच्चों का पहले भी काफ़ी समय ख़राब हो चुका है। तो स्कूल बंद करना तो देखो सरकार को डिसीजन लेना है, लेकिन अगर स्कूल खुलते हैं तो उनका अगर रेगुलर चेकअप होता रहे, टेस्टिंग होती रहे और जो पॉजिटिव केस है उनको आइसोलेट करते रहें तो भी काम चलता रहे। जिस तरह से दिल्ली ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हरियाणा में केस, देखिए ये तो एक वेव चलती है, तो दिल्ली और हरियाणा चाहे सीमा अलग हो लेकिन लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है कि संभव नहीं है उनको अलग कर पाना। तो ये तो जो परिवार का कोई सदस्य दिल्ली रहता है या हरियाणा में रहता है वो आएंगे जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसका तो यही है कि अपनी टेस्टिंग कराएं, सतर्क रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सर ये चिंता का विषय बना है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, लेकिन इसमें जैसे कि आप सबको पता है कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, कोई इसकी दवा नहीं है। और ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।